हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टार हेल्थ की कोई भी पॉलिसी रखते हैं और आप अपनी पॉलिसी को या फिर अपने जो प्रीमियम को EMI पे कराना चाहते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके लिए, तो आपको क्या करना होगा, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है। तो जैसे कि आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से जाना होगा प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च में करना होगा सर्च स्टार पावर। ठीक है, स्टार पावर स्टार हेल्थ का जो ऑफिशियल ऐप है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का हो जाएगा, तो यहाँ से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन आएगा, यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी स्टार पावर पे अकाउंट बना रखा है तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे आना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर यूजर आईडी डाल के आपको OTP कर देना है और OTP आपके पास आ जाएगा, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस पर अकाउंट नहीं बना रखा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए नीचे आप यहाँ पे जाएंगे रजिस्टर के ऊपर और बहुत ही दो तीन स्टेप हैं। जैसे कि अब आप फेसबुक का या फिर गूगल का अकाउंट बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे इसका अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद में आपको दोबारा से बैक यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है या फिर आपकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं करूँगा OTP लॉगिन, यानी कि अब एक OTP है जो कि इस नंबर पे आ जाएगा। यहाँ से करूँगा मैं कंटिन्यू। अब एक OTP मेरे पास मैसेज के थ्रू या फिर WhatsApp के थ्रू मेरे पास आ जाएगा, जैसे OTP आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर। ठीक है, यहाँ से कर दूंगा मैं इसको वेरीफाई। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार हेल्थ की जो पॉलिसी है वो ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको आपका जो रिन्यू करना है, आपका जो प्रीमियम है, जैसे सामने मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट रिन्यूअल, आप चाहे तो यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं। क्या करना है आपको, रिन्यू नाउ इन 2 क्लिक्स। ठीक है, इसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे आपका पॉलिसी का नंबर है वो नीचे देखिए किस तरह का जो पॉलिसी नंबर है आपकी पॉलिसी के ऊपर लिखा होता है। एक हिंट मैं आपको देता हूँ कि आज जो पॉलिसी का नंबर है P करके कुछ इस तरह का होता है, वो आपको पूरा यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ से आप ईयर चूज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ से कर देना है आपको रिन्यू नाउ। रिन्यू नाउ के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी है तो यहाँ पे आप एडिट पे जाके इस पेज की कोई भी डिटेल चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ से आपको अदर डिटेल के ऊपर अगर कुछ डिटेल चेंज करनी है तो एडिट पे जाके आप अपनी डिटेल चेंज कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल के इसका जो नॉमिनी डिटेल है वो अगर आपको चेंज करनी है तो एडिट पे जाके आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सीधा से जाएंगे आप प्रोसीड के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मेरा जो अश्योर्ड अमाउंट है वो है 5 लाख, मेरा प्रीमियम बनता है 9,250 रुपये, इसके बाद GST अभी नहीं लगा है। अब यहाँ से आप करेंगे इसको कैलकुलेट एंड प्रोसीड। इसके बाद एक और बार OTP आपके पास आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल अमाउंट बनता है वो बनता है यहाँ पे GST मिला के 11,742 रुपये। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है सीधा सा पे नाउ के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है और नीचे है EMI ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू, वॉलेट के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको EMI करानी है तो EMI के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है EMI का। ठीक है, आपको जाना है EMI के ऊपर। अब आपको EMI कैसे करानी है, आपको EMI डेबिट कार्ड से करानी है या फिर क्रेडिट कार्ड से करानी है या फिर कार्डलेस जस्ट मनी का है आप उससे कराना चाहते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड से करानी है। ठीक है, आपको कर देना है यहाँ से क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अब आपको यहाँ से आपका जो बैंक है वो चूज कर लेना है कि भाई आपका यहाँ पे कौन से बैंक से आपको करानी है। साथ ही यहाँ पे आपके सामने कितना परसेंट आपके ब्याज लगेगा वो तो उसका यहाँ पे देखिए पूरा दे रखा है कि किस कौन सा बैंक कितना ब्याज आपसे लेगा। ठीक है, तो मेरे पास है स्टेट बैंक का, SBI का, तो मैं यहाँ से करता हूँ एक बार स्टेट बैंक के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 महीने की करानी है, 6 महीने करानी है, 9 महीने करानी है, 12 महीने करानी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए अमाउंट आपके सामने आ रहा है कि अगर आप 12 महीने कराएंगे तो 1,054.28 × 12 इतना अमाउंट आपको पे करना होगा। सपोज कीजिए हमें 12 महीने की EMI करानी है तो हम 12 महीने पे एक बार टैप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना ब्याज हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, वो लग रहा है 909 रुपये। ठीक है, 909 के अलावा देखिए और क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फीस ऑफ 99 प्लस GST, यानी कि 99 और GST 18%, 118 रुपये वो लगेंगे प्लस 909,
तो यानी कि करीब 1000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, जिसके अंदर आपकी 1 साल की EMI हो जाएगी। इसके अलावा 1 रुपये भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, ठीक है। अगर आपको EMI करानी है तो आप क्या करना होगा, यहाँ पे कार्ड नंबर में आपका कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी में आपका जो कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट है वो आपको डाल देना है, और CVV के अंदर कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे इस पर टैप कर देना है, और यहाँ से आपको कर देना है सीधा सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक। OTP आएगा और आपको पेमेंट कर देना है, आपकी EMI यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, और सेम यही प्रोसेस आपको डेबिट कार्ड के अंदर भी मिलेगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी स्टार हेल्थ का जो प्रीमियम है उसे काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन ऑटो प्ले करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन बिल आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।